नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के संघ में। मैं हूँ प्रीति सिंह, मेरे साथ हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में एक बार फिर हम आपके लिए लोकहित और जनहित से जुड़े उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो राज्यसभा के 250वें सत्र के दौरान पूछे जा रहे हैं। ये जो प्रश्न है इन्हें अलग अलग सांसद उठाते हैं। अतारंकित प्रश्नों की श्रेणी के ये प्रश्न है जिनका जवाब लिखित रूप में सदन में दिया जाता है, इसलिए इन प्रश्नों की जानकारी आप तक हम एक बार फिर लेकर आए हैं। मंत्रालयवार बात करने की कोशिश है हमारी, इसलिए आज जो मंत्रालय है वो बेहद अहम मंत्रालय की हम बात करेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इससे जुड़े प्रश्नों को आज शामिल कर रहे हैं। और जो पहला प्रश्न अरविंद जी वो है मनरेगा के साथ कृषि को जोड़ना। डॉक्टर प्रकाश बांडा ने ये प्रश्न पूछा, तो इसमें उत्तर क्या मिला सरकार की तरफ से? बिल्कुल प्रीति, जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि जो मनरेगा है वो UPA के सरकार में शुरू हुई थी, और उस समय जब ये शुरू हुई तो उसके कुछ परिणाम जो है उस दौरान दिखाई पड़े थे। उसमें से एक परिणाम तो ये था कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे ऐसे जो कृषि श्रमिक थे जो कि पंजाब या अन्यत्र तमाम राज्यों में चले जाते थे, वो श्रमिक जो है बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के होते थे, वो उनका जाना रुका। उत्तर प्रदेश के भी श्रमिकों का जाना रुका। तो लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये हुआ कि हरियाणा, पंजाब वगैरह में लेबर का मिलना कम हुआ। इसलिए जो है उस समय ये उठाया गया, जो सवाल उठे कृषि संकट पर संसद में जो चर्चाएँ हुई उसमें से एक चर्चा का मुझे याद है, जो कि आज हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने एक चर्चा को इनिशिएट किया था जो कृषि संकट पर। उसमें बहुत सारे मामले ऐसे उठ करके आए, उसमें मुझे याद आ रहा है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बहुत शिद्दत के साथ इस मसले को उठाया था कि इसको खेती के साथ लिंक कर दिया जाए, यानी जो पीक सीजन जब खेती का आ रहा है तो मनरेगा का कोई उस तरह का काम ना चले बल्कि उसको सीधे लिंक कर दिया जाए खेती के साथ। तो खेती के साथ अगर समग्र रूप से देखेंगे तो मनरेगा को कई कोणों से जो है लिंक भी किया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए इरिगेशन का पोटेंशियल बढ़ाना है, छोटे किसानों को मदद करना है, तो निश्चित तौर पर मनरेगा उसके साथ लिंक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लेकर के अभी भी ये सवाल उठते हैं। ये सवाल जो पूछा है, अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे, डॉक्टर प्रकाश बांडा ने, उन्होंने पूछा है क्या मनरेगा को कृषि से जोड़ने का कोई प्रस्ताव या नीति है, उसका विवरण मांगा है। और ये पूछा है कि क्या मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी ने कृषि से जोड़ने की सिफारिश की है, अगर हाँ तो इस प्रकार की समिति की जो सिफारिशें हैं उनका जो कार्यान्वयन है वो किस लेवल पर है। इसमें जो सरकार ने जवाब दिया है वो ये कहा है प्रीति, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जवाब दिया जो कि ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, साथ ही साथ अगर आप लोग जानते हैं कि वो कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा नहीं, मनरेगा को कृषि से जोड़ने का कोई ना तो प्रस्ताव है ना कोई इस बाबत कोई नीति बनाई गई है। मनरेगा जो है उसके तहत 260 काम जो है अनुमेय हैं, जिनमें से 164 काम ऐसे हैं जो खेती और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं। उनका कहना कि ऑलरेडी है ही है, गांव और खेती के विकास से जुड़ी हुई मनरेगा, इसलिए इस तरह का। और मनरेगा की योजना में पहले से ही इस बात पर जोर दिया गया है कि लागत के लिहाज से जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का कम से कम 60% काम कृषि और संबद्ध गतिविधियों से एकदम सीधे रूप से जो है संबंधित हो, और जो उत्पादक परिसंपत्तियाँ यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसका सृजन हो, और इसमें जल सुरक्षा से जो संबंधित है। इसमें प्रीति देव बहुत सारे ऐसे इलाके हैं देश के जहाँ पानी का संकट है, तो वहाँ मनरेगा बड़े काम की चीज़ बनी है, क्योंकि इससे जल सुरक्षा से संबंधित तमाम काम है, जैसे खेत तालाब है, कुएँ हैं, मिट्टी के रोग संबंधी बांध हैं, चेक डैम हैं, फील्ड चैनल हैं, और अन्य जल संचय की संरचनाओं का निर्माण किया गया है। और इसमें जो व्यय दिया हुआ है, व्यय का प्रतिशत भी दिया हुआ कृषि और सहायक कामों में, ये 2018-19 में ये 63.37% जो है व्यय कृषि और उसके सहायक कामों पर हुआ था, जो दो कि 2016-17 में जो था 66 था। तो इसे थोड़ा सा कम लग रहा है ये, लेकिन कुल मिला के अभी भी 63% तक जो है ये बे इसी पर है। और ये कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण गरीबों को आजीविका की सुरक्षा उपलब्ध कराने की तात्कालिक विकल्प के तौर पर ये जो है परिकल्पित की गई है, कोई नियमित रोजगार योजना नहीं है। ये अधिनियम में व्यवस्था की गई कि इसके तहत घास और कंकड़ हटाने जैसे अमूर्त, मापे ना जा सकने वाले और दोहराए जाने वाले कार्य और कृषि से संबंधित ऐसे कार्य नहीं किए जाएंगे जो है, तो कुल मिलाकर किए हैं। और नीति आयोग जो है इसने 2018 में जून में किसानों की आय बढ़ाने वाली स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए बुआई से पहले
के और फसल कटाई के बाद के कामों को मनरेगा के तहत लाने पर विशेष दल देने वाले एक दृष्टिकोण का सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक उपसमूह गठित किया था। उपसमूह ने अभी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया, तो इसमें एकदम आखिर में जब आप जा रहे हैं प्रीति, तो इस बात की जानकारी मिल रही है, तो आप ये समझिए कि हमारे जो सांसद हैं वो कितने अवेयर होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। ये अब आखिर में जाके मिल रहा है कि मुख्यमंत्रियों का जो समूह है वो एक रिपोर्ट अभी देगा, लेकिन रिपोर्ट में क्या देगा अभी ये तय नहीं हो पाया है। आगे मनरेगा के तहत रोजगार का भी एक सवाल है जो कि अखिलेश प्रसाद जी ने पूछा है, तो क्या स्थिति है प्रीति, मनरेगा के तहत कुल कितने लोगों को एक तरह से ये पूर्ण रोजगार तो नहीं है, सीजनल रोजगार है, लेकिन कितने लोग शामिल हो पा रहे हैं, क्या स्थिति है जी? ये जो प्रश्न अखिलेश प्रसाद सिंह का है, उन्होंने पूछा है कि देश में कितने कामगारों को मनरेगा के अंतर्गत नौकरियां दी गई, क्या ये सच है कि कुछ समय से स्कीम में कामगारों के भुगतान के लिए निधि में कमी आ रही है। दो वर्षों का ब्यौरा उन्होंने मांगा है कि कितना आपने आवंटित किया और कितना उपयोग किया गया, ये दो वर्षों का ब्यौरा दीजिए। उत्तर दिया ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, उन्होंने बताया कि प्रबंधन सूचना प्रणाली जो है, जिसे MIS कहा जाता है, उसमें राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जो अपलोड की गई सूचना है उसके अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत पिछले दो वर्ष यानी 2017-18 और 2018-19 के दौरान जो कितने कामगार हैं उन्हें रोजगार दिया गया, ये आंकड़ा बताया है। 2017-18 में 7,59,00,000 लोगों को रोजगार दिया गया, 2018-19 में 7,77,00,000 कामगारों को रोजगार दिया गया। जी, ये बढ़ा है। आगे बता रहे हैं कि मनरेगा के अंतर्गत राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी सतत प्रक्रिया है ये। और केंद्र सरकार क्या करती है, काम की मांग को देखते हुए, काम की क्या किस तरह से मांग है उसे देखते हुए निधियां उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाती है, यानी प्रतिबद्ध है उसके लिए। और दो वर्षों के दौरान जो यहाँ मांगा है इन्होंने ब्यौरा, वो आगे उन्होंने बताया है। मनरेगा के अंतर्गत जो केंद्रीय निधि जारी की गई उसका ब्यौरा हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुल आ रहा है 2017-18 में रहा है 55,70,606.67 लाख रुपये। आगे ये बढ़ रहा है 2018-19 में बढ़कर हो गया ये 62,59,189.67 लाख रुपये। अब इनमें से व्यय क्या हुआ वो हम बता देते हैं। 17-18 में जो राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों ने व्यय किया है वो रहा है 64,205.09 लाख रुपये, यानी ये जो आवंटित की गई निधि है 2017-18 में हम देख रहे हैं उससे ज़्यादा व्यय किया गया है राज्यों की तरफ से। वहीं जो कुल व्यय 2018-19 में रहा है वो रहा है 69,62,221.36 लाख रुपये, और ये भी ज़्यादा हुआ है, जो व्यय हुआ है वो भी ज़्यादा है, जो क्योंकि हम देख रहे हैं ये हालांकि अनंतिम आंकड़े हैं, इसमें कुछ और भी आंकड़े समाहित किए गए हैं, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 2018-19 में जो निधि आवंटित की गई, जारी की गई निधि, उससे ज़्यादा यहाँ व्यय भी हुई है। आगे जो प्रश्न आ रहा है इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ अरविंद जी, ये प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर, ये सत्यनारायण जटिया जी ने प्रश्न पूछा, बताइए इसमें क्या स्थिति है फिलहाल। बिल्कुल प्रीति, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो सांसद हैं उनको एक आदर्श सांसद आदर्श ग्राम जो है योजना है उसके तहत उन्हें अपना पूरा जौहर दिखाना है और बताना होता है कि एक अच्छा गाँव कैसे डेवलप करके उन्होंने दिखाया है। तो सामान्यतः वो बड़े गाँव हैं जिनको सेलेक्ट किए जा रहे हैं, और कई जगहों पर आप देखिए वो गांव सुर्खियों में भी हैं, जैसे मैं एक गांव का जिक्र करना चाहूँगा, गुजरात में चीखली है, उसका पूरा कायापलट हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपना जो है गांव बनारस में जो लिया है वो भी काफ़ी सुर्खियों में समय समय पर आता रहा है। तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा, चूँकि ये मंत्रालय जो नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये इसमें ये उन्होंने कहा कि ये योजना जो है 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, जिसका मकसद ये था कि जो सांसद हैं उनका नेतृत्व क्षमता प्रतिबद्धता और ऊर्जा का लाभ उठाकर देश के तमाम हिस्सों में ऐसे मॉडल या आदर्श गांव का निर्माण हो सके। और इसका जो लक्ष्य था वो बुनियादी ढांचे के विकास से आगे गांव और वहां के लोगों के भीतर कुछ ऐसे मूल्यों को पैदा करना ताकि दूसरे गांव भी इसकी एक तरह से कॉपी कर सकें, नकल कर सकें या उससे प्रेरित हो सकें। तो ये जो है, और आखिरी जो लक्ष्य एक तरह से जो सबसे निर्धन और कमज़ोर व्यक्ति हैं उसको ताकतवर बनाना,
तो इस लिहाज से जो है परिसंपत्तियों का सृजन करना या सारी चीज़ें जो है लिया गया है। तो योजना का उद्देश्य ये है कि हर सांसद मार्च 2019 तक तीन और 2024 तक पांच अन्य, यानी हर साल एक आदर्श गांव का चयन करके उसका विकास करेगा और 25 नवंबर 2019 तक की स्थिति के मुताबिक ये जो कुल कितने गांव किए गए हैं उसका एक विवरण भी दिया गया है। तो मैं विवरण में बताऊंगा कि अलग अलग जो चरण हैं प्रीति उसमें क्या स्थिति है पूरे राज्यवार। तो इसमें कुल जो 1693 गांव हैं जो आदर्श गांव जिनको बनाए जाने हैं उनमें जो पांचवा चरण भी कितना है, तीसरा चरण, दूसरा चरण और चरण एक जैसा कि इसमें दिया गया था। तो कुल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे दर्शक कंफ्यूज ना हो, ये अलग अलग चरणों में ये किया जाना है। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति है प्रीति। अब एक ये हमको लग रहा आखिरी सवाल ही होगा, ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए प्रभावी नीति तैयार करना राजमणि पटेल जी का सवाल है। तो कई योजनाएं मेरे हिसाब से चल रही हैं जिनका विवरण दिया होगा, क्या क्या जवाब है? हाँ, यहाँ पर बताया गया इन्हीं के बारे में। ग्रामीण विकास मंत्री से ये पूछा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में योजना निर्माण है और विकास के लिए कोई प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता है, अगर हाँ तो इसमें क्या क्या प्रयास किए गए, इनका ब्यौरा मांगा है। यहाँ उत्तर दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कि हाँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय विशिष्ट नीति और दिशा निर्देशों के जरिए देश भर में बहुआयामी गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मुद्दे के समाधान में अहम भूमिका निभाता रहा है। अलग अलग नीतियों और दिशा निर्देशों के जरिए मंत्रालय का जो विजन है और मिशन बहुउद्देश्य कार्यनीति के माध्यम से ग्रामीण भारत का स्थायी और समावेशी विकास करना चाहता है, जिसमें क्या क्या अहम पहलू है। जाहिर तौर पर सबसे पहले रोजगार आएगा, रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों को मजबूत बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों या ग्रामीण जो युवा हैं उनमें कौशल विकास करना, सामाजिक सहायता का प्रावधान और जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका विकास शामिल है। इसमें इसको ध्यान में रखते हुए जो मंत्रालय है अन्य योजनाओं के साथ साथ, जैसा यहाँ जिक्र किया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबन मिशन और सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन, ये अलग अलग योजनाओं का जिक्र है जिनके जरिए ये अलग अलग जो पहलू हैं इन पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये यहाँ मंत्रालय ने उत्तर में अपने बताया है ये तमाम डिटेल्स। इसी के साथ जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े सवाल थे वो यहीं पूरे हो रहे हैं आज के अंक के लिए, क्योंकि समय यहीं पूरा हो गया है। अगले अंक में फिर हम किसी और अहम मंत्रालय से जुड़े आतंकित प्रश्नों की जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल मुझे और अरविंद जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।